शाहिद साहब ने उनके साथ तलाक फिल्म मेरे हुजूर, तेरा गम रहे सलामत और प्यार का वादा, फिर जीनत, इस तरह काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हाय यशोर, उफिये बीवियाँ। उफिये बीवियाँ के हवाले से हम आपको एक चीज़ बता दें कि उफिये बीवियाँ का किस्सा, बल्कि हम आपको बाद में बताते हैं, पहले आप अदाकार शाहिद साहब की बात सुने। शाहिद साहब ने वो वाली बात जो है ज़रीन पन्ना साहिबा ने जो की थी, वो खुद उस बात के ऊपर आए थे, हमने उनको याद नहीं करवाया था। उन्होंने बताया कि सल्लू साहब उनके, सुलेमान साहब उनके बालों का बड़ा ख्याल रखते थे। फिर उन्होंने प्यार का वादा का एक गाना था जो कि 10 दिन में पिक्चराइज हुआ था, उसके वाले से एक किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने उफिये बीवियाँ का बताया। उफिये बीवियाँ का बड़ा दिलचस्प किस्सा, आपको मज़ा आएगा सुन के। उफिये बीवियाँ जिस वक्त शाहिद साहब को कास्ट किया जाने लगा तो क्या कहा गया उफिये बीवियाँ क्या करेक्टर के टाइम पे, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। फिर रफ्ता रफ्ता को उन्होंने बताया कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो गाना जो था वो 4 या 4 से 5 घंटे में पिक्चराइज कर लिया था, उसके हवाले से बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सल्लू सुलेमान साहब को क्योंकि वो अपना उस्ताद मानते थे शाहिद साहब, और मानते हैं, उनके करियर में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है सुलेमान साहब ने, शाहिद साहब के करियर में। वो क्या बात कर रहे हैं सुलेमान साहब के हवाले से, आइए सुनते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने जी एच एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा टाइम निकाला। आपने लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था एस सुलेमान साहब के हवाले से कि आप उनको अपना उस्ताद मानते थे, तो आपको पता है वो हम में नहीं रहे, बड़ी तकलीफ काटी उन्होंने आखिरी दिनों में, तो आपकी मुलाकात भी हुई होगी, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बड़े इंसान थे और बहुत बड़े कलाकार थे, जो कि शायद इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनका नाम हमेशा याद रहेगा। उनकी मेरी पहली मुलाकात 1971 में उनकी, जब मैं नया नया आया था और उनकी मैंने पहली फिल्म की थी इल्जाम, मोहम्मद साहब थे, जेवा भाभी थी, उन्होंने मेरे मर्डर का फादर का रोल प्ले किया। फिर बेशुमार उनकी मैंने फिल्में की, उसमें जीनत शामिल है, उसमें हाय शोहर, उफिये बीवियां, हाय शोहर, तलाक शामिल है, मेरे हुजूर भी है, शोहर है। और जो उनकी सबसे बड़ी जो फिल्म थी जो चली हुई थी वो थी प्यार का वादा। प्यार का वादा है, बिल्कुल। एक गाना था जो कि हम इस्लामाबाद में कर रहे थे जी जी, वो हमने कम से कम 8-10 दिन में वो किया, वो सूरज के साथ था। ये सबसे डिफिकल्ट फिल्म मेरी जिंदगी थी, जिंदगी की टीम के साथ और वैसे भी थी वो थी, अभी तो मैं जवान हूँ। सबसे जॉली मैन, सबसे नाइस पर्सनैलिटी और बड़ा शक्त से पेश आते थे सेट के ऊपर, मतलब तारिक साहब के जरा हसन तारिक साहब के जरा, लेकिन सुलेमान साहब जो थे वो अल्लाह को जन्नत फरदौस में जगह थे, आउटस्टैंडिंग मैन, जॉली। लेकिन मैंने सुना है सर कि हसन तारिक साहब जरा सख्त थे, ये वो जिसने आप बता भी रहे हैं कि जॉली थे और इतना ज्यादा फील भी नहीं होता था इनके साथ काम करके कि वो अपना बड़ा लाइट मूड में काम करते थे, मेरे बालों का बड़ा ख्याल रखना सेट के ऊपर। अच्छा। कभी अगर वो ना तो वही थी वो कटर को बुलवा के ठीक करवाना। जी जी जी, मैं सर एक चीज ऐड कर दूं, मैंने कल जरीन पन्ना साहिबा का इंटरव्यू किया ना, तो मैं बल्कि इस्तफाना भी था अगर आप ना भी आते। वो कहते हैं कि एक तो अदाकार शाहिद साहब को मैं अपना देवर मानती थी, वो बहुत शानदार अदाकार थे। दूसरा, उन्होंने आप ये जो बता रहे हैं ना, कहते हैं कि उनके बाल सम टाइम बड़े होते थे तो वो वहीं पे बुला के कटवा देते थे, तो सम टाइम आपको कहते थे कि पेट आपका बढ़ गया बहुत ज्यादा। जी जी जी, जब मैं वो कर रहा था उनकी फिल्म उफिये बीवी, ये कर रहा था, बड़ी सुपर फिल्म हुई थी। जी जी, उफिये बीवी तो बहुत ही चली है, बहुत ज्यादा चली है वो। तो मैं उनको वो जो पहला वो जो सीन होने लगा तो उनको मैंने कहा, भाभी पन्ना जो थी वो छट पे थी, मैंने कहा इनको जरा थोड़ा सा रेसर दे दिए, इनको हटा दो जरा थोड़ा सा ये, और मुझे कहने लगे तुम्हें क्या यार, तुम तो वैसे रियल लाइफ में बड़े एक्सपीरियंस हो मुझे। भाभी के साथ मैंने अभी तो मैं जवान हूँ, मैं काम किया मैंने जी, तो उनके साथ तो हमेशा बड़ा जबरदस्त लगा वो रहा है जी जी। नैयर भाभी थी, उसमें मीना दाऊद साहिबा थी जी जी, तो
वो जो लव अफेयर का सीन थे वो बड़े मुश्किल थे इनके साथ में, क्योंकि हमेशा वो तो माँ के रोल में आती थी। बहरहाल मैंने वो किए, इतना मुझे दुख हुआ भी कि दो महीने पहले उनसे मेरी टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बड़ा प्रेजेंट कम्बाइन था उनका, बड़ा अच्छी तरह उसको बोल रहे थे। कामरान शायद के बारे में पूछ रहे थे, फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, और मेरे तो बिल्कुल उनके साथ घरेलू रिलेशन है जी जी, पूरी फैमिली के साथ ना जी जी, जी। सोन भाई के साथ, डब्बल भाई के साथ और शुल्लू भाई के साथ, मतलब वी आर इन से इन द वर्ल्ड। जो मेरे ब्रदर लॉ थे उनके साथ, उनके वजह से मेरे इनके साथ रिलेशन थे, और हमारे बड़े पुराने बिल्कुल घरेलू रिलेशन इनके साथ है। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा मुझे अफसोस है कि हमारे इंडस्ट्री के कोई आदमी वहाँ पहुँच नहीं सके बिकॉज ऑफ दिस कोविड। जी जी जी, और बड़ा दुख है। अल्लाह ताला आपसे भी ये कि अल्लाह ताला उनको फिरदौस पे लगा दे जी, और अल्लाह ताला उन फैमिली को, उनके बेटे हैं दो, एक बेटी है जी जी, उनका नाम प्यार से जो चिड़िया कहते थे चिड़िया, वो अल्लाह ताला उनको शान दी जी जी, तो अल्लाह ताला उन्हें खबर दे। और बहुत ही आप यकीन करें कि मुझे दो तीन दिन से नफरत बेचैन है। और मैंने सर, क्योंकि जिस तरह आपका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है फिल्म इंडस्ट्री की, इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि जितना आपका ताल्लुक था, जितना आप उनका रिगार्ड भी करते आए हैं पहले उनकी जिंदगी में भी, तो मुझे कुछ पता चला था कि जिस तरह उन्होंने उनका अदाकार शबनम साहब, अदाकारा शबनम साहबा के साथ भी उनका अच्छे था, तो वो भी भाई कहती थी उन्हें, तो वो सुना है कि जिनके साथ उनके ताल्लुकात थे सम टाइम उनका दिल करता था कि उनके साथ बात करें ना, तो कभी आपको भी, वैसे तो आप भी, आपको किया उन्होंने खुद कि मेरा दिल कर रहा था आपसे बात करने को इस तरह। जी 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 जी, वो बड़े अभी हाल ही में मैं तो रेवन्यू स्टूडियो में था, तो सज्जाद गुल साहब वगैरह हम बैठे हुए थे, तो बड़ी बातें की हो रही थी, कोई हर 20-25 दिन की बात है, तो बड़े बीमार थे बेचारे, बस अल्लाह ताला उनकी नफरत फरमाए जी। और मुझे तो इतना वो है कि मुझे बस वो बातें याद आ रही है, इल्जाम के अंदर जब नया नया मैं आया हुआ था, मेरी दो फिल्में रिलीज हुई थी जी जी, आंसू रिलीज हुई थी और हसन तारिक साहब की तहजीब रिलीज हुई जी जी जी, सुपरहिट हुई थी फिल्में मेरी, आंसू का शुरू की फिल्म है ना, और तहजीब भी शुरू की फिल्मों में से, बिल्कुल जी, मैंने कहा आंसू और तहजीब आपकी शुरू की फिल्मों में से है ना, स्टार्ट किया था जिस वक्त आपने जी जी, उसी में इल्जाम भी उसी वक्त की है। अच्छा ठीक, इल्जाम की मैंने की फिल्म की थी, इल्जाम भाई की पहली फिल्म जो मैंने की इल्जाम की, फिर उसके बाद फिर मेरी मुझे लगी उनकी 10 फिल्मों में उनकी सारी मीटिंग फिल्में मेरे साथ हैं, वो एक से बढ़कर एक है जी, तलाक के गाने इतने जबरदस्त पॉपुलर हुए थे उसके कदमों में तेरे जी जी जी, वो भी हुई तो फिर हाई शोर हुई, फिर उफी बीवियां तो जिन्नत हुई, और जो ये गाना उन्होंने मेरा किया रफ्तार 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 रफ्तार, वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो आप पे बड़ा उठ के आया था वैसे, मेहदी हसन खान साहब का गाना जो है ना, वो आप यकीन करेंगे उन्होंने 5 घंटे में या 6 घंटे में पिक्चराइज किया था। अच्छा अच्छा, हाँ फिर एक हमारी फिल्म और थी बड़ी मशहूर हुई थी उसका गाना, वो तो हम साहब को भी बड़ा कॉपी हुई इसकी, इसकी रफ्तार रफ्तार की भी हुई हुई, और फिर एक फिल्म थी उसकी मेरे हजूर, मेरे हजूर के गाने बड़े मशहूर बैठ रही है। ओह बिल्कुल, ये तो इंग्लैंड के अंदर हर पान वाली दुकान के ऊपर वहाँ पे सनराइज अभी भी होगा, वहाँ पे लंदन के अंदर एक रेडियो स्टेशन है, तो उसके ऊपर ये हिना की खुशबू, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, हिना की खुशबू, वो क्या जबरदस्त बिल्कुल ड्रामे का सब, तो ये है कि मेरी एक बड़ा एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पाप जो है जुदा हो गया हमसे, लेकिन नाम तो उनका सारी जिंदगी हमेशा उनका रहेगा, दुनिया में रहेगा, तो ये दुनिया रहेगी। बड़ा मुझे दुख है, और आप यकीन करें कि बहुत तकलीफ है मुझे जी, मैं बयान नहीं कर सकता आपको,
ہے کہ مالی میں گیا ہوا ہوں گتالا سیٹ کے اوپر جب میں ریڈیکس کر رہا تھا امام بلی صاحب کے ساتھ اور میرا بھاجی کے ساتھ, وہ پھر لے کے کہاں کہاں کیا کیا ہوا, اور بس اللہ تعالیٰ کی یہ ان کو صبر دے, بچوں کو صبر دے جی جی, اور گھر والوں کو صبر دے جی جی جی, بہنوں بھائیوں کو, منصور کو, ریانا کو, اور بہن مونا ان کو صبر دے, بھابھی زرین کو صبر دے, بچوں کو صبر دے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. دکھ کے ساتھ میں یہ اپنے والدین کو وہ کر رہا ہوں جی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کو جگہ دے دے گی, پڑھ پڑھ کے دعائیں, اور آج کا دن ہے جی, آج جمعہ کا دن ہے, پہلا جمعہ رمضان کا دن ہے, پڑھ پڑھ دن ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت شکریہ, وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ سر. یہ تھے اداکار شاہد صاحب, پھر ہم نے روزینہ صاحبہ